चाची जी हैं हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर में है और गांव का नाम है कक्कर। सगी चाची जी हैं भारत माता की जय। आहना मेरी क्या लगती है, दो दिन में काफी है। ये क्या लड़कियों को बैग लेके घूम रहा है। जीजा जी ने क्या चमत्कार करा। मैं हूँ अभी दिल्ली वाले घर में और अभी हम लोग जा रहे हैं खूबसूरत से सफर में, क्योंकि हमारी मुलाकात बड़ी मुश्किलें से होती है। अपने मन से खुलने वाला रास्ता है। बाय बाय, आधे घंटे तक यहाँ पर ही रहेगी। गेम का नाम क्या है और लेना है, और सारी चीजें जो है महंगे मिलेंगी, पैकिंग के जूते हैं और 125 रुपए लगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भाव प्रणाम, स्वागत है नोएडा के इन खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े बिल्डिंगों से। तो अभी हम लोग आए हैं आहाना के स्कूल पे इसको छोड़ने के लिए। आहाना भाई, छोटे छोटे बच्चे भी इतना ज्यादा रोते हैं ना, मतलब स्कूल जाने के लिए। सच में ना, हम भी ऐसे करते थे। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई ताजे ताजे फल अभी आहाना के लिए स्कूल के लिए। तो हर दिन हमेशा यहाँ से चाची जी जो है ले जाती है फ्रूट्स आहाना के लिए, स्कूल में जरूरी है। ये रहा आहाना का स्कूल, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल है और प्री नर्सरी में अभी आहाना यहाँ पर पढ़ाई करती है, क्योंकि अभी 4 साल की हो रखी है। और साथ में देखो भाई, यहाँ पर के जो गाय हैं हमारे पहाड़ों के गाय से अलग है, और इनके जो आकार है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये गाय जर्सी गाय होती है। साथ ही चाची जी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और अभी कितने बजे चाची? अभी 2:05। शहरों में आपको इस प्रकार के तांगे वाले देखने को मिल सकते हैं, जो कि लोकल सामानों को ढोने में लगे रहते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। और अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि दिन का समय है। आहाना को लेने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। शाम के समय में चाचा लोगों ने यहाँ पर बस लगा रखा है और लाइव लोकेशन यहाँ पर लगाई जाती है, तो लोकेशन होना जरूरी है। और देखो ये बहुत मस्त लग रहा है, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। भारत माता की जय। हाय 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 हाय। तो अभी भी शांत रह रही है। चलो आहाना, बा चलना नहीं है, नहीं चलना, बोक के ले जाना है। तो आहाना भी आ गई भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे। हेलो जी, हाथ जोड़ के नमस्ते कहो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आहाना हमारी क्या लगती है। पूजा रावत जी कह रहे थे कि आहाना मेरी क्या लगती है। तो आहाना मेरी छोटी सी बहन, पूरे परिवार की सबसे छोटी बेटी है, मेरे जो सगे चाचा जी हैं उनकी बेटी है छोटी सी। हमारे चाची जी भी जॉब करते हैं ना दोस्तों, और 15-16 साल इन्हें यहाँ पर हो गया। चाची दिल्ली में कितने सालों से आप जॉब करते हैं? 2011 से आए थे, 10 से आए थे? 11 से आए, तो कम से कम 13 साल हो गए। हाँ, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दोस्तों, हमारे चाची जी हैं हिमाचल प्रदेश से, तो हमारी ममता चौधरी जी पूछ रही थी कि आपकी जो चाची जी हैं वो हिमाचल में कहाँ से हैं? हिमाचल में हमीरपुर, सुना होगा आपने, हमीरपुर में है और गांव का नाम है कक्कड़। तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। हेलमेट लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत सारे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ, हमारे लिए कहते हैं। साथ ही दोस्तों ममता पांडे जी भी बोल रही थी कि आपकी जो चाचा चाची हैं आपके सगे हैं या रिश्तेदार हैं? मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सगे चाचा चाची जी हैं जो मेरे पापा जी हैं, उनके ही छोटे भाई हैं मेरे चाचा जी, जो कि नोएडा में रहते हैं। हाँ। और मेरे सगी चाची जी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। और चाची जी अभी हो रही है लेट थोड़ा बहुत, तभी जाके आप बहुत ज्यादा। हाँ, तो बाद में मिलते हैं आपसे ना। और जब अभी मेरा ऑफ आने वाला है मंडे को, देन मैं आप लोगों से बात करूंगी। ठीक हो गया। हाँ ठीक है चाची, बाय बाय बाय। और साथ में मकान दिख रहा होगा आपको भाई, तो चाचा और चाची की मेहनत से यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसमें, और ये चीज भी आपको मैं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें कितनी मेहनत लगी है, और एक मोटिवेशनल चीज भी आपको बताऊंगा मैं बहुत जल्दी। ये दोनों भी आ गए हैं दीदी लोगों के घर से। चाची राहुल और कृष्णा भी आ गए, दो मतलब वहीं रहने वाले थे, जिम कर रहे थे। अच्छा, मतलब बोल रहे थे कि 2 दिनों बॉडी देखते हैं, बॉडी मतलब इतने जिम कर दी कि ये आज ही वापस आ गए। दिखाओ बॉडी, तो दिखाओ कितना कितना ग्रोथ है बॉडी। ओ भाई बहुत बढ़िया। अभी एज कितनी राहुल की? 19 साल हो गया, ठीक बना, एक दिन में बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। हाँ, वो तो आई नहीं रहा डर के मारे। ये क्या लड़कियों को बैग लेके घूम रहा ला? दिखा तेरी बॉडी, दिखा एक दिन में कितनी, इसने तो दिखा दी। अब ये देखो बॉडी बनी है, दिखाओ तुम, दिखाओ। जीजा जी ने क्या चमत्कार करा, दोनों की बॉडी बन के आ गई भाई। जीजा जी ने औषधि दवाइयाँ खिलाई। औषधि दवाइयाँ? किस टाइप की औषधि दवाइयाँ? वो हमें पता नहीं है ना, उनको ही पता है बस। ये तो ठीक है चाची जी। हाँ हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं और जाने वाले हैं गौर सिटी मॉल।
आहाना को भी लेके जाएंगे। मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चाचा मेरे उत्तराखंड के हैं, चाची मेरी हिमाचल प्रदेश की है, मुलाकात कैसी हुई होगी, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। कितने साल मैंने यहाँ पर पढ़ाई करी सारा चीज़ आपको बताऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फाइनली कैब तो मंगा लिया है, चलते हैं थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। तो आहू स्कूल से आ गई थी, थोड़ा बहुत इसके अंदर टाइम स्पेंड कर दें क्योंकि एक दो दिन में मैं जाऊंगा यहाँ से उत्तराखंड की ओर। यहाँ पर हाल ही में बहुत सारे मकान बन रहे हैं और आधे मकान बनने में लगे पड़े हैं, तभी जाके यहाँ का रास्ता पूरा खराब हो रखा है। तो आहाना के साथ जा रहा हूँ भाई मैं अभी गौर सिटी मॉल। जिंदगी में हम लोग बहुत लोगों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, कभी समय निकाल के अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों के साथ घूमना चाहिए। मिट्टी का मटका और परिवार की सिर पर बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोडों के अगल बगल में ना बहुत सारे पेड़ हैं जो कि लगाए गए हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते तो गर्मी ना के बराबर होती। फाइनली वी आर अराइव्ड इन गौर सिटी मॉल, बहुत बड़ा मॉल है ये, और आहाना को पकड़ के ले जाना पड़ेगा वरना इधर उधर भागेगी और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अपने मन से खुलने वाला रास्ता है ये, पर हमेशा अगर आप कहीं पर मॉल में जाते हो ना हमेशा चेक होता है भाई कि कुछ चीजें खराब तो नहीं है। मॉल में आते ही दोस्तों देखो इतने खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिल रहे हैं, और ये वाली पेंटिंग कहाँ पर की है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गौर सिटी मॉल में आते ही पेंटिंग की भरमार देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, पेंटरों के द्वारा बहुत बढ़िया बना रखा है, और साथ ही समय निकालकर अपने परिवार के साथ हमेशा घूमना चाहिए। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, इनमें आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठा सकते हैं जिससे उनका मन भी लगा रहे। तो भाई मतलब बहुत सारे फ्लोर यहाँ पर हैं, देख सकते हैं अभी अलग अलग प्रकार के फ्लोर हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा डाउन वाले में चल रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों के लिए गेम है, तो आहो आहाना इधर देखो, बाय बाय बाय। तो आधे घंटे तक यहाँ पर ही रहेगी, और यहाँ पर कितने गेम होते हैं यहाँ पे? 10 से 12 गेम, मतलब हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं ना, गारंटी आपकी है, मतलब ठीक हो गया सर। नाम बताइए। आहाना जी मियाल। तो भाई मतलब ये आधे घंटे यहीं पर खेल करेंगे सारा का सारा, क्योंकि बच्चों को खेल पसंद है भाई। बाय बाय। तो ये खेल रही भाई मस्त करके, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के लिए। आप लोग अगर शहर आते हैं ना तो बच्चों को इस प्रकार से यार थोड़ा बहुत इंजॉय कराना चाहिए ना, खेल करने में लगी पड़े भाई। यहाँ पर आहाना सुरक्षित है, अब हम लोग थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। तो अभी पहले वाले फ्लोर से चलते हैं हम लोग दोस्तों चौथे वाले फ्लोर में, और लिफ्ट भी लेना जरूरी है। यहाँ पर इतना मस्त स्टैचू बना रखा है एक बुबू जी का जो कि बहुत ज्यादा मस्त लग रहे हैं, और हाथ में एक लट्ठी भी है भाई, देखो कितने मस्त लग रहे हैं, और पूरी इनकी जो वेशभूषा है ना एकदम पहाड़ी वाली है। यहाँ से देखिए भाई कितना बड़ा मॉल लग रहा है, बहुत ही बड़ा मॉल। दोस्तों अगर बात करी जाए गांव और शहर की, तो शहरों में सुविधाएं ज्यादा होती हैं। सामने देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां हैं जिसमें मैं आ रहा हूँ, और ये सीढ़ियां आपको पहले मंजिले से आपको एटो मंजिले तक भी आराम से पहुंचा सकती है, और ऐसी सुविधाएं गाँव में नहीं होती हैं। आधे घंटे हो चुके हैं भाई और आहाना आ गई है। आहाना कैसा लगा? बढ़िया। गेम का नाम क्या है? वीआर पावर मतलब रियलिटी दिखती है, तो भाई इसमें मतलब अभी आंखों में ये लगाना है। राहुल कौन सा खेल रहा? रोलर कोस्टर। और तो जिंदगी झंड। तो भाई इनका रियलिटी लग रहा है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा आपका दूसरा रोलर कोस्टर था ना, नॉर्मल था? नॉर्मल। और तुम्हारा हॉरर था, मतलब सच बताना क्या हुआ? रोलर ही था मेरा। तो अभी तो मैंने खाली कार रेसिंग वाला गेम खेला था, नॉर्मल था, अब इस बार अब हॉरर वाला देखते हैं मतलब कैसा जो होता है। गाजी अभी जाके एक चूज किया भाई, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, इतने सारे कैंडी थे। हो गया चूज, हो गया, और लेना है? और लेना है? चलो ले जाओ फिर, अपना खा दे। चलो एक और निकालो। हाँ गुड गर्ल। नहीं पैसे तो ये खुद जाएगी पैसे देखते हैं। हाँ दो, कहाँ पे देना है पैसे, जल्दी जाओ। आ गए हैं अभी डिकैथलॉन के पूरे स्टोर में, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी मिलेंगी। तो
तो अभी हम लोगों ने खरीद लिए है जूते डेकैथलॉन से, ट्रैकिंग के जूते हैं, और थोड़ा ये ग्लव्स भी खरीद लिया क्योंकि मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ। अबे देखे भाई पानी का मस्त फ्लो हो रहा है, ये देखो कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। तो कैब आ गई भाई, चलो फटाफट चलते हैं हम लोग घर की तरफ। तो कैब तो अब जाएगी दोस्तों अभी, और थोड़ा बहुत आहाना के साथ भी टाइम स्पेंड हो गया है। हम लोग घर आ चुके हैं दोस्तों, दो तीन दिन मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी एक बहुत बढ़िया चीज भी होने वाली यहाँ पर आगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को।